जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है कि ब्रेक थ्रू का मतलब हो गया कि एक इंसान जिसको कोविड की वैक्सीन लग चुकी है, उसको प्रोटेक्शन दिया जा चुका है। प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ, या तो वो पहले कोविड से सफर हो चुके हैं, या नहीं तो उनको वैक्सीन के एक डोज पड़ चुका है या दो डोज पड़ चुका है, और उसके बावजूद अगर वो इंसान एक्सपोज होता है और कोविड से संक्रमित होता है, तो हम इसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अलग अलग, अगर हम देखें कि इंसान जिनकी इम्यूनिटी लेवल अलग अलग होती है, जैसे कि एक यंग आदमी है जिसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, उसकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी होती है, और एक यंग आदमी है जिसको जिसको पहले से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फेफड़े की बीमारी है, और उसी तरह से हम एक बुजुर्ग इंसान उसको क्लासिफाई करें, एक बुजुर्ग इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है और एक बुजुर्ग इंसान जिसको पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं, खास करके फेफड़े की बीमारी, साथ में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। तो ऐसे लोग जिनकी पहले से कोई बीमारी से ग्रसित रहते हैं, को मॉर्बिड कंडीशंस उनको बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग को मॉर्बिड कंडीशंस। तो अगर वो प्री एग्जिस्टिंग को मॉर्बिड कंडीशन से सफर करते हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इस तरह के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिनको पहले से कोई बीमारियां नहीं होती हैं, ऐसे लोग ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से यूजुअली सफर नहीं।